बालिकाण कानून लेकर आई है सरकार, दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाओं का फायदा। अरे तो कहेंगे उनपे कौन से बच्चे हैं, रड़ो पाड़े पे तो मैं जिनके बच्चे होते हैं वो बच्चों के बारे में जानता है। क्या समस्या आ रही है तुम्हें सरकार से बता दो। समस्या आ रही है ढाई आना किलो गेहूँ है, 10 पैसा किलो जगह जो है धान हुआ है, और सारे किसान मेहनत कर कर मर जाते हुए सब फ्री में लूट रही है सरकार। कहाँ फ्री में लूट रही है, वो तो के दिए क्या हमें एमएसपी पे खरीद दाने काऊ में ना सर खरीद रही है, ऐसे फ्री में डाल रहे हैं और मोई ले रहे हैं, और डीजल 100 रुपया किलो और वो पेट्रोल 100 रुपया किलो आइए सब काम दो हाई पाई खाते है, सारे गरीब आदमी तो ले ना सिलेंडर था, गरीब आदमी मिली ना एस एड्डी मिल लीजिए गांड मिल लीजिए कुछ ना मिल रहा हुआ। जब इलेक्शन पास में आते हैं तो ये झूठ का पहाड़ तोड़ने में लग जाते हैं कि हम ये करेंगे कि वो करेंगे, किसानों को ये करेंगे कि वो करेंगे, किसानों को इनकी तरफ से सेवा एक योजना इनकी लाभदायक हुई है कि 2000 रुपये देंगे कि वो कि 2000 रुपये देंगे, उसमें बाकी इनकी योजना सब झूठ है। कहाँ जो वादे किए थे सरकार ने वो तो पूरे किए, देखो राम मंदिर बनाने दिया सरकार ने, राम मंदिर बनाने से क्या हो रहा है, एक घंटा हिलाने से मंदिर में क्या हो रहा है। जब वोट देने गए थे तो राम मंदिर के नाम पे दिया था, हम नहीं देते। ऐसा है कि जो राम मंदिर के नाम पे अनशिक्षित लोग हैं अभी वो भटक जाते हैं, वो नहीं देख पाते, और जो जैसे नरेंद्र मोदी ने आके मुरादाबाद झूठ बोला कि हम किसान के लिए करेंगे ये करेंगे, कुछ भी आज तक किसान के लिए कोई भी किसान के बारे में कोई भी नहीं सोचा। कहाँ कर रहे हैं कि योगी सरकार ने तो फैसला लिया है कि जितने भी किसानों के खिलाफ केस हुए थे वो सब वापस कर रही है, जुर्माना भी ख़त्म कर रही है, आप तो कुछ नहीं करा। योगी जी ने क्या किया है किसानों के बारे में, कुछ भी नहीं किया योगी जी ने, कोई भी नहीं। किसानों के लिए योगी सरकार ने मतलब जो उन पे केस लगे थे जो भी मतलब जुर्माना लगा था वो सब वापस लेने का फैसला किया है। हाँ के झूठे वादे ने कहा कबू कर दो कुछ कर दो, कोई भाई जिसकी सत्ता है वो कुछ भी कह सकती है कुछ भी बोल सकती है। मतलब क्यों आपको लगता है कि झूठे वादे कर रहे हैं ये सब, हमें तो इनके जमीनी स्तर पर कोई काम लगाना, हमें सब आसमान पर उड़ते हुए अखिलेश ने जितने भी मतलब जो मंजूर करे उसके उस पर सब उद्घाटन करते फिर रहे उसके कामों पे। इस आज तक इन्होंने नया काम करा हो तो हमें बता दीजिए, इस सरकार ने सब मतलब जो अखिलेश करेगा अखिलेश जो कर गया उसी पर उद्घाटन करते फिर रहे, उसका कोई काम करके ना दिखाया उन्होंने। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि इतने बड़े नेता आजम खान के लिए वो नहीं बोले खुल के, क्या कहेंगे किस तरीके देखते हैं? देखिए ये तो आजम खां का जो प्रकरण है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत मानस से प्रभावित है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है देश में, आजम खान एक बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीडर बोले जाते हैं, तो उनको टारगेट करना ये दिखाना है देश की जनता को जो उनके पक्ष के लोग हैं कि देखो हमने उसको टारगेट किया, तो फिर और भी उनके पक्के लोग हो जाएंगे, जो कट्टर लोग हैं उनको उनका तुष्टीकरण करने की, ये लोग आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर कि हम ये तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और आजम खां की गिरफ्तारी इस बात का पक्का सबूत है। तो लेकिन जनता तो ये सवाल उठाती है ना कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए खुल के सामने। देखिए इस मामले में मुझे तो मैं ना तो पार्टी का सदस्य हूँ और ना ही मैं कुछ हूँ, तो मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं आए, या फिर आए होंगे तो मैंने कोई खबर देखी नहीं है, तो इस मामले में तो मैं कुछ नहीं सकता। मैं एक किसान आदमी हूँ, देश की समस्याओं पर बात कर सकता हूँ, देश का नागरिक भी हूँ, राजनीतिक पार्टियों के संबंध में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, एक बात है। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज़ की पिछड़े वर्ग की मुस्लिम के हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता रुख करेगी उनका? देखिए ये चुनाव है, एक तरह से युद्ध होता है, समर लिख के आता है, तो अब इसमें सभी लोग जो जिनको लगता है कि हमारे अंदर दम है वो अपने अपने जोर आजमाएंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी भी उसी जोर आजमाई की कड़ी में एक व्यक्ति हैं, तो देखते हैं उनके साथ प्रदेश क्या करता है। ओबीसी बीजेपी का खरीदा हुआ है, क्यों लगता है आपको कि बीजेपी के खरीदा हुआ है? उसके पैसे दिए उसने, बहुत बुरा भला बोलता है योगी जी को भी मोदी जी को। अरे ये तो सब उसका कुछ ना हुआ आज तक, वो तो ये कहते हैं कि मैं संविधान के दायरे में रह के बोलता हूँ, ऐसा भाषण ही नहीं है जो संविधान, क्यों ना क्लियर तरीके से बोलता है, इतने कड़वे अल्प हिंदुओं के लिए कहता है, इतने कड़वे अल्फ कहता है हिंदू भाइयों के लिए हर एक चीज़ के लिए, तो उसे जेल में क्यों ना डाला, आजम खान को जेल में डाल दिया, क्यों डाला आजम खान को जेल में, उसे डालो पहले जेल में।
उनके भाई ने जो विवादित भाषण दिए थे, बयान दिए थे, उस पर तो उन्हें 40 दिन की जेल में भी रखाए थे। तो बस 40 दिन की जेल, एक साल की होती, 6 महीने होती। जब आजम खां को, आजम खां के बेटे को, बीवी को जेल हुई है, तो उन्हें क्यों हुई जेल फिर? आजम खां के ऊपर तो आम जनता ने कार्रवाई कर केस किए हैं ना। तो उनके लिए भी जब वो इतना बुरा भला बोले तो आम जनता ने भी तो दिए होंगे एप्लीकेशन उनके खिलाफ, रिपोर्टें करी होंगी, भाई तुम क्यों बोल रहे हो हिंदू भाइयों के लिए खराब है, बात नहीं अच्छा। तो ये अब वो आ रहे हैं वोट मांगने, ये हम राजनीति सब जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, ठीक। हम ओबीसी को, ओबीसी को हम न जानते, हैदराबाद से आएंगे वो मदद करने। अरे हमारे तो वो जिला एट आगे अगले भैया हैं, वही बढ़िया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हिस्सेदारी दिलाने आ रही हूँ। अजी वो आ जाएगा वहाँ से हिस्सेदारी दिलाने हमें। तो वो तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2012 में 18% आरक्षण की बात की थी मुस्लिमों को देने की, उन्होंने दिया नहीं। कुछ ना होगा, मैं बताऊँ, क्लियर हो गया। मेरे घर में अगर चोर घुस जाए, सबसे पहले कौन आएगा? पड़ोसी। तो अखिलेश हमारी यूपी के रहने वाले हैं, सबसे पहले वही तो आएंगे। परेशान नहीं आए आजम खां के मुद्दे में सामने? कौन से आजम खां के मुद्दे में? अब आए होंगे, उन्होंने मदद भी करी होगी। अरे भैया अगर योगी उन्हें भी फांस देंगे वो तो, अखिलेश को भी फांस देंगे अगर वो आ गए तो सामने। फांसेंगे तो तभी ना जब अखिलेश ने गलत काम किए होंगे। अरे वो वैसे ही फांस देंगे, आजम खान ने कौन सा गलत काम करा दिया? क्यों यूनिवर्सिटी में जमीन लोगों का कहना है कि हमारी बस इतना ही गुना करा उन्होंने, जो कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल बना दिया, बस इतना गुना करा। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि हमसे जमीनें छीनी है इन्होंने। ये भैया देखो ऐसा है, किसी ने पैसा देकर आरोप लगाया है, किसी ने बकरी चोरी का, पैसा देकर ना, पैसा देकर पब्लिक को कुछ भी कहलवा लो, ठीक है ना। अब मैं हेडपम्प का काम मतलब वो करता हूँ काम, हेडपम्प का, सरकारी नलों का, और मतलब समरसेबलों का। सौ डाली की मेरी फीस जो थी पहले 650 रुपये ही, ठीक। अब तेल 100 रुपये को हो गया, मैंने कर दी 750 रुपये। तो यही तो सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो मजदूर भी तो वो गरीबों पे तो पड़ रहा है बेचारा, वो जो चीज रख के दे रहा है जमीन, और बेचारे जमीन रख के करवा रहा, पानी का इंतजाम तो करवाएगा वो, करवाएगा ना करवाएगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राकेश। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 में? सरकार अखिलेश की आएगी। अखिलेश की ही क्यों आएगी? ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश की सरकार आएगी? बसपा भी है और भी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। उनकी व्यवस्था जो है बिल्कुल व्यक्तिगत है, मान लो लोगों के हित के कारण है, मान लो इस वजह से उनकी सरकार आएगी। और काउ की सरकार आने की तो कोई सवाल ही नहीं है। बाकी तो सब जो है कि झोली वाले हैं, जिसकी भर जाएगी वो अपने चला जाएगा। ये उन्हें झोली से संबंध नहीं है, उन्हें तो खाली व्यक्ति का संबंध होने चाहिए। और वो संबंध उनके है लोगों से जुड़े हुए, कहने का मतलब ये है। बाद में आए पीछे आए, जो हिंदूवादी पे जो सरकार बन गई वो हिंदूवादी नहीं है, ये जाति बात। अखिलेश के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं, मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं कि मुल्ला मुलायम है ये, आरोप आरोपण के बाद ही तो ऐसी बात महसूस हो रही है। आरोप लगने के बाद हकीकत जब सामने आई है तब ऐसी बात महसूस भई है कि हाँ हकीकत यही सही है। कहने का मतलब ये है हकीकत यही सही है कि वो ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। अखिलेश यादव ने काम किया था 2017 में? हाँ काम किया था। तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया? जनता को ये उम्मीद लग रही है ये सरकार आएगी तो ये और ज़्यादा कुछ करेगी, उम्मीद लोगों ने सोचा कि नामालम ये झूठ बोल के तमाम वादे कर चुके ना, तो लोगों को लगा कि इससे और ज़्यादा करेगी। जो लेकिन पता जब चलता है जब दोनों को बरतती है सरकार, पब्लिक देखती है इनका भी काम देखें उनका भी काम देखें, तब पता चलती कंपेरिजन, तभी तो करेंगे लोग। उन्होंने ये लगा ना कि ये बहुत बड़े वादे करके नवाने में और कुछ क्या क्या करने वाले हैं। तो वादे पूरे किए ना सरकार? कहाँ वादे किए? क्या वादा किए? 170 हटा दी, 3 तलाक तो उससे 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 मंदिर बना दिया, फायदा क्या हुआ? तो जनता ने तो नहीं मुद्दा अब मंदिर तमाम यहाँ बतेरे हैं, मस्जिद तमाम बतेरी, पूजा करने वाले को घर पे ही कर लेगा पूजा। तो जब वोट डालने का टाइम आता है तो जनता तो नहीं मुद्दों पर वोट डाल के आती है ना। ना ना वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहक जाते हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आने वाले टाइम में इनका सबक मिल जाएगा इसका। यूपी का इतिहास रहा है कि धर्म पर ही वोट डला है, जात धर्म पर ही पड़ा है, उन्हें और कोई मुद्दा नहीं था ना पहले से। अब लोगों को समझ में आ गया, अब रुपया रोटी चाहिए उसे, मंदिर में पूजा करने जाएगा, भूखा मर रहा है और पूजा करेगा बाद में। सरकार दे तो रही है राशन, राशन से क्या होने वाला है? राशन से कुछ राशन जो जरूरत है इंसान की कुछ ना होगा, और बहुत से खर्चे हैं राशन के अलावा, उससे थोड़ी खाली सब्जी क्या नाम रोटी से थोड़ी चल जाएगा। उनके एजेंट को मिल रहा हो राशन किलो राशन से हो जाती है पूर्ति घर की? तमाम पूरे संसारी पूर्ति हो जाएगी, नहीं देर में हमारे पूरे घर जाए पल जाओ। 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य मान लो
अरे एक एक हफ्ता राशन ना है, एक हफ्ता राशन ना है, तो एक महीने कहाँ से पालेंगे फिर हम? तो सरकार तो इतनी सारी सुविधाएं दे रही है पीएम वो प्रधान। हाँ वो तमाम किसान योजना 2000 रुपये तमाम जिंदगी चल जाएगी भाई, तो मैं 2000 रुपये जिंदगी चल जाएगा। आप समझा बात क्या बदलाव होगा इस बार की? तो बदलाव हो मतलब, लेकिन भिखारी को बना रही है मैं को, हम जब भीख मांग के वास्ते जब मिल के इनके ऊपर, तब बात हम नंगे बना के हम जाइए ऊपर आश्रित हो जाएंगे, तो हम भीख मांगे फिर से पढ़ेंगे सरकार यही रहेगी। मुकुट सिन्हा, मुकुट सिन्हा तक साहब वोट पड़ेंगे, ईवीएम से वोट पड़ेंगे, बीजेपी सरकार नहीं हटेगी इससे। अच्छा हाँ, ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल। तो बंगाल में क्यों हार गई? बंगाल में क्यों हार गई? बंगाल में तो साहब वो उसकी लहर थी, इसकी लहर तो कितने भी इसने बेईमानी करी तब भी वो जीती, इसके तो खास फिक्स फिर से बदे हुए होते हैं। मतलब जहां अमित शाह का, अमित शाह का जहां जीत जाए तो वहां ईवीएम घोटाला है। अमित शाह का लड़का जो है वो पक्का उसका इंजीनियर है, वो हार नहीं दे देगा सरकार बीजेपी को। अच्छा। बिल्कुल पक्का वो मतलब बीजेपी का शासन ही वो चला रहा है।